नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कुछ ही देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है शुरू होने वाली है। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है, कांग्रेस के AICC हेडक्वार्टर में यह बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मुहर लग जाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर आ रही है। कुल मिलाकर 10 राज्यों की 60 सीटों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है, यह खबर है, जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा पर भी मंथन होगा, तो साथ ही मेघालय, मणिपुर और सिक्किम पर भी चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 राज्य हैं जिनकी 60 सीटों पर फैसला होना है, चर्चा होनी है, जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम की बात कही जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों पर आज नाम फाइनल कर दिए जाएंगे और उनका ऐलान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश की भी खबर तो है कि मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर भी कुछ बात बन सकती है, लेकिन अभी ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों का ऐलान भी आज कर दिया जाएगा, कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार छत्तीसगढ़ से कौन कौन हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। संभावित मुकाबला कहां कहां किसके बीच हो सकता है। बिलासपुर में तोखन साहू बीजेपी के, दूसरी तरफ बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी के, संतोष पांडे राजनांदगांव से, तो उनके सामने भूपेश बघेल को मैदान में उतारा जा सकता है। बड़े चेहरे हैं, चाहे वो बात दीपक बैज की हो, ज्योत्सना महंत की हो, ताम्रध्वज साहू की हो, शिव डहरिया की हो, विकास उपाध्याय की हो, या फिर टीएस सिंहदेव बाबा जो हैं उनकी हो, उनका भी नाम चल रहा है चर्चा में, तो यही है। दिल्ली में कांग्रेस की सीसी की बैठक 6 बजे शाम को बुलाई गई थी और ये बैठक बस कुछ ही देर में शुरू हो जाने वाली है। और छत्तीसगढ़ की सीटों पर भी आज ही फैसला कर लिया जाएगा। ममता लांचेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। ममता, क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों का आज हिसाब किताब कांग्रेस पूरा कर देगी, प्रत्याशियों का नाम भी जल्द ही घोषित हो जाएगा, क्या खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए दीपक बैज जब आज सुबह दिल्ली रवाना हो रहे थे कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए, उसी समय उन्होंने कहा कि आज 11 सीटें जो छत्तीसगढ़ की, उसमें पूरे क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में वैसे भी नाम डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमेटी में भी नाम जो है उस पर मुहर लग जाएगी और कल तक हो सकता है कि नाम भी जो है वो अनाउंस करा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब समय काफ़ी कम है। बीजेपी ने जो है वो पहले ही नाम दे दिए हैं और जिस तरह की अगर हम बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव के बाद में चुनौतियां कांग्रेस के साथ में, तो जाहिर तौर पर अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं बच गया कि और वो डिले कर सकते हैं या दो चरणों में जो है वो नाम जो है वो घोषित कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो रायपुर से विकास उपाध्याय का नाम जो है वो फाइनल माना जा रहा है, बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जो है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम माना जा रहा है, जांजगीर चांपा से शिव डहरिया का नाम माना जा रहा है, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू और कोरबा से ज्योत्सना महंत है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दीपक बैज को बस्तर से कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था या तो कवासी लखमा या फिर उनके जो बेटे हैं अभी हरीश लखमा उनको लड़ाया जा सकता है, लखेश्वर बघेल को लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दीपक बैज को भी पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि एक मैसेज जो है कम से कम दो ही जो है वो सांसद कांग्रेस के यहाँ पर हैं और ऐसे में अगर उनके नाम काट दिए जाते तो कहीं ना कहीं मैसेज भी खराब जाएगा, ये वाली बात है। और ऐसे समय में जब बीजेपी ये पर कांग्रेस सवाल उठा रही कि जब सांसदों की टिकट कटी है तो, और इसके साथ ही अगर बात करें तो बिलासपुर से ये ज़रूर है कि TS सिंहदेव के नाम को पर जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक तरह से सहमति बनी है, लेकिन TS सिंहदेव लगातार मना कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके जो है ये कहा जा रहा है कि संतोष कौशिक जो है वो वहाँ पर नाम हो सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें तो शिव डहरिया को लेकर जांजगीर चांपा से जो है वो कंफर्म माना जा रहा है, तो ये सरगुजा की अगर हम बात करें तो अमरजीत भगत का नाम आ रहा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो है कि वो पार्टी सोच भी रही है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस जो है वो ज़रूर ये दावा कर रही है कि इस बार जो है अधिक से अधिक सीटें आएंगी, पिछली बार जो नतीजे आए हैं उससे। लेकिन आपके पास लौटूंगा, अशरफ काजमी हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं क्योंकि दिल्ली में 6 बज गए हैं और ये बैठक बस शुरू होने वाली है।
तो वहां क्या हलचल है, क्या अपडेट, वहां से क्या जानकारियां आ रही हैं, अशरफ से जानते हैं। अशरफ पुनीत, देखिए अभी यहाँ पर जो दक्षिण के राज्य हैं, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, त्रिपुरा हो, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ के लोग आए हैं। और उसके अलावा उत्तर पूर्व के, चाहे वो मेघालय हो, त्रिपुरा हो, यहाँ के जो पीसीसी पदाधिकारी हैं वो आ गए हैं। छत्तीसगढ़ जिनका इंतजार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की तरफ से अभी तक नहीं आए। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल वो पहुँच चुके हैं, अब सबका इंतजार किया जा रहा है। जब मेरे ख्याल से करीब 6 बजे का टाइम था, तो हद से हद 6:30 या अगले 15 या 20 मिनट में यहाँ सभी लोग पहुँच जाएंगे। और उसके बाद फिर औपचारिक रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। और आज की बैठक में जो सूत्रों ने बताया है कि सिर्फ 10 ही राज्यों के सीटों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ है और दिल्ली है, उसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना है, केरला है, इन लक्षद्वीप है, इन सब राज्यों के सीटों पर चर्चा की जाएगी। और है क्या कोई खबर अशरफ? पुनीत, मध्य प्रदेश आज की सूची में नहीं है, मध्य प्रदेश को आखिरी समय में सूची से बाहर निकाल दिया गया है केंद्रीय चुनाव समिति की। उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, इस वजह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक में, तो थोड़ी देर में कांग्रेस सीसी की बैठक जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज एमपी के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं होगी। अशोक ने साफ कर दिया कि इस लिस्ट से आखिरी वक्त में मध्य प्रदेश को बाहर कर दिया गया है। उमा भारती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, कहा कि अगले 2 साल गंगा के लिए वो काम करेंगी। चुनाव लड़ने को लेकर उमा भारती ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मेल करने की बात कही और कहा कि अपनी तरह से स्थिति साफ कर दी थी। एमपी के पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि लोकसभा में बीजेपी का 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य पूरा होगा। हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। अब आप कहोगे 2 साल बीच में कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं, राज्यसभा वगैरह के चुनाव होते हैं। तो मैंने कहा कि उसका कारण बना कि जब मैं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बैठी हुई थी आगे की पंक्ति में, तो मुझे पूरा अयोध्या आंदोलन का स्मरण आता रहा और मुझे लगा कि किसके कारण आज हम यहाँ पहुंचे। वो थे अशोक सिंघल जी, जो देवरा बाबा के शिष्य भी थे। उनकी दृढ़ता का परिणाम था कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। तो मुझे लगा कि मेरी दृढ़ता में कुछ कमी रह गई, जो गंगा का काम वहीं ठहर गया 2017 में, जहां पर कि मैं छोड़ आई। और इससे मेरा मन इतना व्याकुल हुआ उन 5-6 घंटों में ही कि संयोग से मुझे उनके कांकेर से मोहन मंडावी का टिकट कटने पर दर्द छलक उठा है। मोहन मंडावी ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, साथ ही टिकट कटने की भी जांच की मांग की और यह भी जोड़ा कि टिकट काटने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मंडावी ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री ने काम की तारीफ की थी, बावजूद इसके उनका टिकट पार्टी ने काट दिया। बीजेपी ने अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को कांग्रेस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। कि माननीय प्रधानमंत्री मुझे रमाइनी करते कहते थे, मेरे काम से बड़े खुश थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे काम के प्रति बड़े खुश थे और सदर के अधिकांश नेता मेरे को रमानी कहते थे और मेरे रमान के प्रति बड़े खुश थे। और हमारे यहाँ तक के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जी, वो भी बोले मोहन तुम्हारा रिपोर्टिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो करके उन्होंने भी कहा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कुट रचित करके, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा करके, नाना प्रकार के आरोप लगाए होंगे तभी मेरा टिकट कटा हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप ही बता रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि जिसका काम अच्छा होगा उसी को देंगे करके, तो मेरा काम में कहां कमी हुई? मैं तो जिसको मैं काम सौंपा गया, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम करके मैं चलता था और मेरा टिकट काट दिए। जैसे नाराज हैं मोहन मंडावी और झूठे आरोप लगाए गए, ये भी वो कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया, झूठे आरोप लगाए, कूट रचना की गई, कहीं ना कहीं छल उनके साथ किया गया और उनका टिकट जो है काटने का काम
कुछ लोगों ने जानबूझकर किया है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वो ये मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, टिकट कटने के बाद उनका गुस्सा यहां पर नजर भी आ रहा है। तो आपको बता देते हैं कि मोहन मंडावी का क्या कुछ पॉलिटिकल करियर रहा है। दरअसल 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी मोहन मंडावी ने, और महज 6,914 वोट से वे यहां से जीते थे। जीत का अंतर बेहद कम था और माना जा रहा है कि मंडावी के खिलाफ यही बात चली गई। भोजराज नाग घोर नक्सल इलाके से आते हैं और आदिवासी समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ है, लेकिन बीजेपी ने टिकट बंटवारे का बचाव किया, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं को, हर नेताओं को अवसर दिया जाता है और जो सर्वे होता है उसमें जो जीतने योग्य प्रत्याशी देखा जाता है उसे टिकट दी जाती है। टिकट मिलना नहीं मिलना, लेकिन कार्यकर्ता सदा पार्टी के साथ रहता है, ये अभी उनकी निजी राय है, उनका अपना जो अपना दर्द है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी की टिकट काटती है, उस कार्यकर्ता को दूसरे कार्यों में लगाती है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में इस समय देश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर ढंग से समझ रही है। मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए सांसदों की टिकट काटी जा रही है, और इस बात का प्रमाण कांकेर के सांसद मोहन मंडावी के बयान से है। मोहन मंडावी जी की जो पीड़ा है वो साफ बता रही है, उनका दावा है जो सत्य से नहीं, उनकी टिकट काट दी गई। एमपी में राम वन गमन पथ को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई। भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस पर राम को नहीं मानने के आरोप भी लगा दिए गए। लोकसभा चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान न हो, लेकिन एमपी में सियासत चरम पर है। राम वन गमन पथ के भूमि पूजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी एक इवेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस ने राम वन गमन पथ का पहले ही भूमि पूजन किए जाने की बात कही, साथ ही बीजेपी राम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लगाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने भी अब मान लिया है कि ये सरकार इवेंट वाली और विज्ञापन वाली सरकार है। लगातार बार बार मतलब इसको एक तरीके से ढोंग कहा जाता है कि जिस चीज का उद्घाटन एक बार हो चुका है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसको बार बार दिखाना तो ये दिखाता है कि आप जनता के मुद्दों से भाग रहे हो, किसानों की एमएसपी देने से भाग रहे हो, युवाओं को रोजगार देने से भाग रहे हो, इसलिए बार बार भगवान श्री राम का इस्तेमाल कर रहे हो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस पर राम को न मानने के आरोप भी जड़ दिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर मध्य प्रदेश में राम पथ गमन तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है वो अपने आप में मध्य प्रदेश की जनता के सामने है, और मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनको इस तरह के विषयों में टिप्पणी करने की जरूरत है या उनकी कोई नैतिक हैसियत इस मामले में है। क्या है राम वन गमन पथ? राम वन गमन पथ अयोध्या से शुरू एमपी में चित्रकूट से अमरकंटक तक पथ, 370 किलोमीटर के विकास की योजना। वनवास के दौरान भगवान ने गुजारा समय, 11 साल 11 महीने और 11 दिन भगवान ने गुजारे थे समय। प्रदेश की सरकार ने 8 जिलों में राम वन गमन पथ के विकास की बात कही और इसके भूमि पूजन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब तक इस मामले में हुआ क्या है? दरअसल ये राम वन गमन पथ की जो बात चल रही है, ये सबसे पहले साल 2004 में सरकार के पास प्रस्ताव लाया गया था। प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, 3 साल तक प्रस्ताव पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर सर्वे कराया। फिर 2008 आ गया, 2008 में संस्कृति विभाग ने इस पर शोध कराया। 2008 में शोध हुआ लेकिन फिर कोई काम नहीं हुआ, फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। कितने साल? पूरे 10 साल, 2008 से 2018 हो गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बीजेपी से छीन लिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यहां विकास कराने की बात कही। कमलनाथ जो है उन्होंने यहां पर इसके विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट भी दिया था, लेकिन फिर सरकार बदल गई। अब जब चुनाव एक बार फिर से हुए हैं
और बीजेपी सरकार में आ गई है तो मोहन सरकार ने इस योजना पर काम करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान होते हलचल बढ़ गई। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि गुना में राजा वर्सेस महाराजा के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। बात वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं के शरण में चले गए, ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना विचार है। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए, क्योंकि वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी। ये कांग्रेस के पास ना नेता, ना नीति, ना विचार, कांग्रेस का अपना मत है, उनको जिसको लाना लाना है, वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत कौन की बच पाए। इस बात में कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो विजन है 2047 का जो लक्ष्य है और वर्तमान की जो परिस्थितियां उससे स्पष्ट तय है कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वैसे गुना सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां हमेशा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है। साल 1952 के चुनावों में गुना सीट से हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे जीते थे। साल 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विजय राजे सिंधिया और राम सहाय पांडे जीते। साल 1967 के चुनाव में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में आई थी और साल 1971 में यह भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार जीता। इसी तरह कभी कांग्रेस तो कभी कभी बीजेपी के हिस्से में सीट आती रही है। बीते दौर का सिंधिया रियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहते हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा वर्सेस महाराजा का मुकाबला दिलचस्प होगा। खंडवा से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल पर फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी की दबदबे वाली खंडवा सीट पर बीजेपी का पहले से ही दबदबा रहा है। नंद कुमार सिंह चौहान ने यहां से लगातार जीत दर्ज की। हालांकि 71 तक तो कांग्रेस की यह सीट मानी जाती थी। खंडवा का क्या है सियासी गणित, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। खंडवा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राज नारायण सिंह को हराया था। पार्टी ने उनके 2.5 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया और अब वे जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए फिर से चुनावी मिशन में लग चुके हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर पर बीजेपी के लिए तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के जो पितृपुरुष है कुशाभाऊ ठाकरे, वो खंडवा अपने जीवन में केवल 2 चुनाव लड़े। दोनों चुनाव उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र से लड़े हैं और जिसमें एक बार वो विजयी हुए और दूसरी बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उनका चुनाव लड़ने से इस क्षेत्र का काफी महत्व रहा है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव था जब राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता और इमराजी खंडवा के सड़कों पे घूमी है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब उपचुनाव होता है तो पूरे देश की निगाहें यहाँ होती है। लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो खंडवा लोकसभा सीट 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं।
खंडवा की खंडवा, पंधाना और मानधाता विधानसभा इसमें शुमार है, तो बुरहानपुर की बुरहानपुर और नेपा नगर भी इसमें शामिल है। खरगोन की भीगन गांव और बड़वाह विधानसभा सीट भी इसमें आती है और एक देवास की बाकली सीट भी इसमें शामिल है। खंडवा लोकसभा के इतिहास की बात की जाए तो यहां पर 1952 से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां अब तक दो उपचुनाव समेत 19 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 10 बार बीजेपी या जनसंघ और 9 बार कांग्रेस ने जीत का डंका यहां बजाया है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 4 चुनावों में 2009 में कांग्रेस के अरुण यादव यहां से जीते थे। 2014 में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद बने। 2019 में भी नंद कुमार सिंह चौहान ने दोबारा यहां से जीत दर्ज की। 2021 के उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से सांसद बने। वहीं विधानसभा की बात की जाए तो 8 विधानसभा की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एकमात्र भीकन गांव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। खंडवा लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण की भूमिका भी अहम है। मसलन खंडवा का जातिगत समीकरण, यहां पर हिंदू 86.96% हैं, जबकि मुसलमान 11.74% हैं, जैन 0.29%, सिख 0.13%, बौद्ध 0.71% हैं। खास बात यह कि हिंदुओं में आदिवासियों की संख्या 32.67% है। ऐसे में सियासी दलों की आदिवासी वोट बैंक पर नजर होती है। माना यह जा रहा है कि खंडवा इस बार भी लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अमित जायसवाल, News 18, खंडवा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।